Students, welcome back to my YouTube channel, Renewable Teaching. Today, we are going to study about stomata, which is included in the chapter number 6 of life processes of standard 10th. Chapter number 6, chapter name is life processes, and we are going to study today's topic is stomata. What we are going to study? We are going to study about stomata, right? So, they are tiny pores present on the surface of leaves. तो हम आज stomata के बारे में पढ़ते हैं. Stomata basically है क्या, उसकी definition क्या होगी? They are the tiny pores. What? They are the tiny pores. और वो क्या होते हैं? वो tiny pores होते हैं और कहाँ पर present होते हैं? They are present on the surface of leaves. Leaves की surface पर वो present होते हैं, right? So here you can see the figure of stomata. This one is A, this is the open stomata, and this one is B, that is known as closed stomata. यहां पर आप देख सकते हैं, first one is open stomata and second one is closed stomata. Let's relate with this. उसका structure कैसा होगा stomata का? Each stoma, अब यहां पर आप stoma word आ गया था, आप confused मत होइए. Stomata is the plural form of stoma. मतलब हम एक सिंगल स्ट्रोमा की बात करेंगे, मतलब वही स्ट्रोमाटा होगा. अगर प्लूरल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमाटा, राइट? तो स्ट्रोमा इज द सिंगुलर फॉर्म. ईच स्ट्रोमा इज स्मॉल पोर सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. अब ये स्ट्रोमा जो होगा वो किससे सराउंडेड होगा? पोर. जो एक पोर होगा वो किससे? स्मॉल पोर, जो हमने बात की अभी. स्ट्रोमा क्या है? टाइनी पोर है. इज सराउंडेड बाय टू किडनी शेप. हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा था किडनी शेप, राइट? तो किडनी का शेप क्या होता है? बीन शेप. तो यहां पर आप देख सकते हैं बीन शेप गार्ड सेल्स. और जो बीन शेप होते हैं उसको हमने नाम क्या दे दिया है? यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा बीन शेप है, दिस वन इज नोन एज गार्ड सेल, राइट? क्या बोलते हैं उसको? गार्ड सेल्स. The guard cells have few chloroplasts in their cytoplasm. Guard cell के पास क्या होता है? Few chloroplasts. अंदर आप देख सकते हैं ये जो green material मैंने draw की हुई है, they are none other than but they are chloroplasts. क्या है ये सारी की सारी चीजें जो अंदर मैंने green draw की हुई है, वो है chloroplasts. अब chloroplasts का function आपको पता है, ये क्या करता है? वो photosynthesis में काम आता है, right? So chloroplasts. The guard cells have few chloroplasts in their साइटोप्लाज्म. हर एक गार्ड सेल के पास थोड़े थोड़े क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब उसका स्टोमाटा का फंक्शन क्या होगा, राइट? तो स्टोमाटा मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज थ्रू लीव्स. अगर है फिजिक्स की बात है, अभी मैंने आप पूरा नहीं लिखा, आप पूरा लिख सकते हैं. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज थ्रू लीव्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है. क्या क्या काम करता है वो फोटोसिंथेसिस में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमाटा में, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है. तब क्या काम आता है? स्टोमाटा काम आता है. सो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट. अब देखते हैं सेकंड. लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू स्टोमाटल पोर्स. यहाँ गए, ये हो गया हमारा स्टोमाटल. ये जो मटेरियल है पूरा का पूरा हो गया स्टोमाटल पोर. स्टोमाटल पोर हो गया वो चीज, राइट? तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू स्टोमाटल पोर्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में भी वो मतलब वाटर लॉस करने में हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? स्टोमाटा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, राइट? तो यहां पर देख लिया, यहां पर हम फिगर देखते हैं. दिस वन इज द ओपन स्टोमाटा. क्या है ये? ओपन स्टोमाटा है. तो आप देख सकते हैं द गार्ड सेल आर, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इनर लाइन होती है हमारी, क्या ये जो हमारा इनर लेयर होगा वो थोड़ा बहुत थिक होगा. क्या होगा? थिक होगा. ये बाहर का लेयर थोड़ा थिन होगा, राइट? आप याद रख लीजिए इसे. इनर लेयर इज थिक व्हाइल द आउटर लेयर इज थिन, राइट? आउटर लेयर इज थिन. अब ये हो गया गार्ड सेल्स, और ये जो ग्रीन पिगमेंट है वो हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट. अब ये ओपन कैसे होगा? जब यहां पर ये पानी अंदर चला जाएगा, दे गेट स्वेल, तो क्या कर देंगे?
वो फूल जाएंगे राइट, वो स्वेल हो जाएंगे, इसकी वजह से ये दोनों के बीच में बहुत सारी स्पेस हो जाती है, जिसकी वजह से बोलते हैं हम उसको स्टोमाटल पोर। और जब वो फोटोसिंथेसिस में होगा तब यहां से क्या लॉस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ट्रांसपीरेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर। और ये होगा ओपन स्टोमाटा हो गया। अब यहां पर क्लोज स्टोमाटा देखते हैं, क्लोज स्टोमाटा में क्या होगा, ये दोनों जो गार्ड सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दे गेट श्रिंक, उनके पास वाटर जो होता है वो निकल जाता है और वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पोर होता है वो बहुत ही मतलब माइन्यूट बहुत ही छोटा हो जाता है, और वो क्लोज हो जाता है, मतलब आप बोल सकते हैं उसको हम क्लोज हो जाता है। अगर वो श्रिंक होंगे, ये दो जो ऐसे होगा जब गार्ड सेल्स पहले हो, जब वो श्रिंक हो जाएंगे तब दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, और जिसकी वजह से स्टोमाटल पोर बहुत ही कम देखने मिलेगा। This one is open and this one is closed. You can easily differentiate between both of them, right? So, अब आपके दिमाग में अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि ये सराउंडेड सेल्स जो है वो क्या है, राइट? आया कि नहीं आया आपके अंदर क्वेश्चन? अगर ये आया है तो आपके पास, तो ये इसका आंसर है, they are the epidermal cell. उसको हम क्या बोलते हैं, epidermal cell बोलते हैं। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, this was just an extra knowledge for you, right? सो स्टोमाटा की बात कर ले हम वापस। सो दे आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। क्या होते हैं वो, पहले टाइनी पोर्स होते हैं, और कहां प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्टोमा इज अ स्मॉल पोर सराउंडेड बाय द टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। अब ये जो किडनी शेप होंगे उसको हमने नाम क्या दे दिया, हमने नाम दे दिया एज अ गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, गार्ड सेल्स के पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में। सो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने फंक्शन में क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। अब गैसेस एक्सचेंज क्यों होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है क्या है, मैंने आगे वीडियो भी बना चुके, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, राइट? अगर आपको कोई वो चीज डाउट हो तो आप वापस वो वीडियो एक बार देख लीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो या अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस आल्सो टेक्स प्लेस। क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू स्टोमाटल पोर्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। स्टोमाटल पोर्स की वजह से हम क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर लॉस भी कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। दो प्रोसेस में काम आता है, फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस वाइल सेकंड वन इज ट्रांसपीरेशन, राइट? तो यहां पर हमने नेमिंग कर दिया उसका, ये देखो ये दो किडनी शेप हमारे पास गार्ड सेल्स आ गए, गार्ड सेल्स के अंदर आ गया क्लोरोप्लास्ट, उसका बाहर का लेयर हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज नोन एज एपिडर्मल सेल्स। और ये जो बीच में जो अपने को पोर और द ओवल स्ट्रक्चर हमें देखने मिलेगा, दैट इज नोन एज द स्टोमाटल पोर, राइट? दिस वन इज द ओपन फिगर ऑफ द स्टोमाटा वाइल दिस वन इज नोन एज द closed figure of stomata. आप इसे आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट? सो उम्मीद है इसके बाद आपको स्टोमाटा के बारे में कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। इफ यू आर लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज नोन एज इनोबल टीचिंग। थैंक यू।